22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन कौन सा ऐसा विधि व्यवस्था, हम जब गए, हमको जब मुलाकात नहीं करने दिया गया, तब भी तो कोई विधि व्यवस्था नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया जो इस तरह का बेतुका एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि लालू जी से किसी को मिलने की अनुमति नहीं। तो ये तो पूरी तरीके से प्रशासन जो है, मतलब आप कहिए कि बीजेपी का जो प्रकोष्ठ होता है, प्रकोष्ठ के तौर पे ये पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। और इसमें सरासर, आज देखिए, आज पीएम का भी दौरा था, वहां से उन लोगों को खबर होगी कि भाई बिहार की स्थिति जो है खराब है, जो चुनाव में जिस तरह से दो चरण हुए हैं, बीजेपी को जो उम्मीदें थी, जो पलटू चाचा को जो उम्मीदें थी, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर से लालू जी को टॉर्चर, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो बल लगा सकते हैं लालू जी को दबाने के लिए, झुकाने के लिए, डराने के लिए, वो हर एक कोशिश मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके इशारे पर ये सारी कार्रवाई जो है हो रही। कौन सी विधि व्यवस्था बिगड़ी? कल को लालू जी के साथ कुछ हो जाए या इलाज में कमी रहने से अगर कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? हम परिवार के लोग हैं, जब से पिताजी जेल गए तब से मेरी माँ जो है मुलाकात उनसे नहीं की है। हम लोग जो है वहाँ रांची में डेरा डाल के नहीं बैठे रहते हैं, जैसे हमने आपको बताया 1.5 महीने बाद हम गए। ऐसा भी नहीं कि हम हर हफ्ते हर सैटरडे उनसे जाते हैं मिलने, हमको बेटे को नहीं मिलने दिया गया। और जो मुलाकात ही जो करने का जो होता है, लोग जाते हैं, सेहत का हालचाल पूछते हैं, वो भी नहीं करने दिया जा। तो ये तो पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहार, चंद वोटों के लिए लालू जी के साथ दुष्व्यवहार, ये पूरी तरीके से ये मौजूदा सरकार कर रही है। मान लीजिए विधि व्यवस्था की बात, जो मास लीडर हैं, जो गरीबों के नेता हैं, इस तरह का प्रताड़ना अगर किया जाएगा, कल को अगर सड़कों पर बिहार की जनता, झारखंड की जनता अगर सड़क पे आ जाएगी, कल को कुछ अनहोनी हो जाए, तो इसकी भी जवाबदेही कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोगों की भावना है और लोगों की मन में, और लोग ये जान चुके हैं कि लालू जी के साथ पूरी तरीके से जाति की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, परेशानी की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को बुला करके जो बातें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखें। आज हम लोगों का दौरा मधेपुरा में भी, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जो जिम्मेदारी हमको पार्टी ने देने का काम किया। लेकिन इस तरह से अगर हमारे पार्टी के नेता, हमारे पिता के साथ अगर व्यवहार अगर किया जाए तो कहाँ तक ठीक रहेगा? आपको पता है कि कुछ दिन पहले इंटरव्यू में नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, कि लालू जी जो है फोन से मैनेज कर, कहा था। जेल आईजी ने क्या कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री को गलत सूचना है, लालू जी के पास ऐसा कोई फोन नहीं। ठीक, दूसरे दिन अनंत सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जब वो जेल में थे अनंत सिंह, तो नीतीश कुमार उनसे फोन पर बात करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के कहने के बाद डेली लालू जी के सेल में छापा पड़ने लगा। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब बीमार अवस्था में लालू जी के रूम में छापे नहीं पड़ेंगे। वहां अपराध क्या है? अपराध यही है क्योंकि लालू जी पिछड़ी जाति से आते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, भाईचारे को कायम करना चाहते हैं, शांति अमन चैन का काम करना चाहते हैं,
देश के संविधान को और आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और ये लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि लालू जी टूट जाए, बिखर जाए। हम लोगों के ऊपर मुकदमा, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा, हर तरीके से ये लोग प्रताड़ना कर रहे हैं। तो हम लोग तो जनता के बीच भी जाकर के जो अपनी बातें हैं वो रखने का काम कर रहे हैं। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है। तो इस चीज को लेकर के हम लोग हर जगह जा रहे हैं, और ये बड़ा दुखद है कि करी से करी भी निंदा की जाए तो ये कम है। जिस तरह का व्यवहार वहाँ की प्रशासन के लोग करने का काम करते, तो हम सोचे कि आप लोगों को बुला कर इस इन बातों को रख देंगे। बाकी जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, हम लोग चाहेंगे कि अगर दिया जा सकता है मीडिया कर्मियों को तो बेहतर होगा।